हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है एवी कैट फैमिली में। 2D बेसिक्स अपने क्लियर करने के बाद ड्राइंग सेक्शन में गए हैं। तो आज की जो अपनी ड्राइंग है वो ये है। हर दिन अपन एक अलग ड्राइंग के साथ अभी आ रहे हैं। तो 2D फुल कंप्लीट होने के बाद ये मैंने 3D खोल रखा है, 3D वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 2D में सारे जो अपने ड्राइंग्स, ऐसी कोई भी ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए जिसे अपन 2D में बना नहीं पाएंगे अपनी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद। तो आज जो अपनी ड्राइंग है ये है। इस ड्राइंग में देखिए ज़्यादातर सर्कल्स का यूज़ है। तो सर्कल्स का यूज़ होने के बाद भी ये देखिए यहाँ पर 15 रेडियस और ये सब बहुत लड़कों के लिए, बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन भरा होता है। तो आज मैं जो है ये वाला ड्राइंग अपन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप चाहिए तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है, आपको ड्राइंग जहाँ से इजी लगे वहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखिए 58 डायमीटर है और ये बीच का जो है 40 डायमीटर है। तो इन दोनों सर्कल्स को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्कल का ऑप्शन लिया, सर्कल ऑप्शन लिया और यहाँ से 50 नीचे मेरा डायमीटर एक्टिवेट है तो 58 डायमीटर ऑन कर दिया। और वापस से स्पेस बार मैंने लिया और यहाँ से देखिए अभी देखिए डायमीटर एक्टिवेट नहीं है, तो मैं डी एंटर करता हूँ और यहाँ पर 40 एंटर करता हूँ। तो ये देखिए अपना सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ के बीच के जो सर्कल्स हैं वो हैं 10 डायमीटर के। तो सबसे पहले मैं 10 सेंटर डायमीटर ले लेता हूँ और यहाँ पर 10 एंटर करता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर अपन को 8 सर्कल्स की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को क्लिक कर लेता हूँ और ए आर अरे कर लेता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। और ये देखिए पोलर अरे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसका बेस पॉइंट दे देते हैं। बेस पॉइंट इसके अंदर नहीं देना है, जिस सर्कल्स पे जो बात चाहिए वहाँ पर देना है, पोलर चाहिए। और यहाँ पर अपने को 8 की ज़रूरत है, तो आइटम्स में जाके 8 एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोज अरे कर देते हैं। तो ये वाला सर्कल भी बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर 16, मुझे यहाँ पर 16 नज़र आ रहा है, तो 16 डायमीटर का सर्कल है। ये देखिए दो साइंस बता रखे हैं कि ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 16। इस बार मैं शॉर्ट कमांड्स का यूज़ करता हूँ, सी एंटर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये लिया और डायमीटर दे रखा है अपन को, डी एंटर कर लेते हैं, 16 एंटर कर देते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मैं मूव कर लेता हूँ। और मूव कहाँ करना है वो देख लेते हैं पहले। हमेशा F8 यानी ऑर्थो मोड जरूर ऑन रखिएगा। ये देखिए नीचे की तरफ 34 डिस्टेंस पे है, तो 34 डिस्टेंस लिया, 34 एंटर किया। और साइड की तरफ ये देखिए नीचे दे रखा है अपन को 40 डिस्टेंस है और मिड से देखिए 40 डिस्टेंस है। तो इस चीज़ को वापस मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मूव कर लेते हैं और यहाँ पर इसको 40 डिस्टेंस पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाहर जो है 20 रेडियस का सर्कल है, तो वापस से मैं सी एंटर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं, रेडियस मेरा एक्टिवेट है तो 20 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट हुआ, तो यहाँ पर टेंजेंसी करने के लिए एल एंटर लेंगे और यहाँ पर टैन टाइप करता हूँ, TAN फॉर टेंजेंसी, और एंट्री करते हैं। और इस सर्कल के जहाँ भी अपने को ज़रूरत है वहाँ पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। और वापस से टैन टाइप करेंगे, एक बार टैन नहीं, एक और बार टाइप करेंगे तभी होगा। और ये देखिए इस पर जाकर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी भाग को ट्रिम करने से पहले अपन यहाँ का नीचे वाला पार्ट भी बना लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट में क्या दे रखा है, 36 डायमीटर और ये बाहर का 58 डायमीटर का सर्कल है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बना लेता हूँ। तो पहले मैं 38 डायमीटर का एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ से सेंटर डायमीटर लिया, शॉर्ट कमांड्स का यूज़ कर भी कर सकते हैं अपन, और यहाँ पर 38 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सर्कल 38 था। अब देखिए ऊपर से देखिए 34 और 34 डिस्टेंस पे, यहाँ से ये देखिए यहाँ से मिड और मिड से यहाँ पर वापस 34 डिस्टेंस है। तो कुल मिलाकर 68 डिस्टेंस पे है
इस चीज़ को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर 68 एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर का जो सर्कल है वो 58 डायमीटर का है, ठीक है। तो सी एंटर ले लेते हैं, डायमीटर के लिए डी एंटर कर लेते हैं और 58 एंटर कर देते हैं। तो ये वाला सर्कल भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जहाँ से अपन ने टेंजेंट किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, तो इसके लिए एल एंटर ले लेते हैं और यहाँ पर टेंजेंट ले लेते हैं, टी ए एन एंटर, सर्कल के जहाँ भी कहीं भी क्लिक करिए, वापस से टेंजेंट ले लेते हैं, टी ए एन एंटर, और इस पर भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो भाग है इस चीज़ को अपन ट्रिम कर लेते हैं, टी आर डबल एंटर, ओके। अब देखिए इसके अंदर थोड़े बहुत सर्कल्स हैं, वो है 8 डायमीटर के 6 सर्कल्स हैं, तो उसके लिए सी एंटर ले लें और यहाँ पर क्रिएट करते हैं डी एंटर डायमीटर के लिए और 8 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं अरे कर लूँ, जैसे अपन ने ऊपर किया था ए पोलर अरे, और इसके बीच का जो पॉइंट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए 6 है, तो वापस से एंटर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला पार्ट भी बन चुका है अपना। इसके बाद जो है ये देखिए ये वाला पोर्शन अपन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कुल डिस्टेंस 22, इसका मतलब डायमीटर 22 है। तो इस चीज़ को अपन बना लेते हैं यहाँ पर, इसके मिड में बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सेंटर डायमीटर लेता हूँ मैं और यहाँ से यहाँ पर चलो एक लाइन मिड लाइन क्रिएट कर लेते हैं अपन। यहाँ से मिड लाइन ले लिया और यहाँ पर वापस एक मिड लाइन ले लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हुआ इसलिए ये वाला लाइन्स लिए अपन ने, ठीक है। चाहिए तो अपन इस चीज़ को इसी सर्कल को यहाँ भी बना सकते थे, चलो मैं उस टाइप का भी बना के बताऊँगा आपको, पहले अपन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। सी एंटर और यहाँ पर लिया मैंने और ये डी एंटर कर लेता हूँ और 22 एंटर कर देते हैं और इस चीज़ को अपन मूव कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए मूव करने के लिए देखिए 40 डिस्टेंस पे, तो इस तरफ मैं लेके 40 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को वापस देखिए इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, बिना इन लाइंस के कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, देखिए सी एंटर करता हूँ लाइंस के लिए और इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर मैं सर्कल देता हूँ और इसको डायमीटर देते हैं, डायमीटर था अपना 22 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव कर लेते हैं, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है यहाँ से, देखिए वहाँ के मिड से यहाँ का मिड जो है वहाँ पर 34 डिस्टेंस पे है, तो 34 एंटर किया और वापस से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और मूव कमांड एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से यहाँ पर 40 डिस्टेंस पे, तो 40 डिस्टेंस पे ये देखिए अपना सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो अब आपकी जो इच्छा है उस टाइप से आप बना सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए इसके बाहर जो है 20 रेडियस का सर्कल है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली जाकर सेंटर रेडियस ले लेता हूँ और यहाँ पर 20 एंटर कर देते हैं। इस ड्राइंग में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो पहले ज़रूर बेसिक क्लियर करिएगा, पिछली वीडियोस में जाके प्लीज़ अपना जो बेसिक है ज़रूर क्लियर करिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो एफ एंटर ले लेता हूँ मैं और आर एंटर ले लेते हैं फॉर रेडियस और यहाँ पर 15 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को और इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर 15 दे रखा है, ठीक है। अब उसी प्रकार नीचे भी कर लेते हैं, तो F एंटर कर लेते हैं और R फॉर रेडियस 15 एंटर, चाहिए तो अपन मिरर भी कर सकते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ड्राइंग अपना कंप्लीट हो चुका है, डायमेंशंस देने के लिए एनोटेट पे जाएंगे और डायमेंशंस दे देंगे जो भी अपने को चाहिए। यहाँ पर देखिए डायमीटर एक्टिवेट है, यहाँ से मैं ये देखिए 58 वापस से स्पेस बार ले लिया और ये लिखिए 40 वापस से स्पेस बार लिया, वापस से स्पेस बार लिया। तो
तो आपको जहाँ भी देना है आप दे सकते हैं डायमीटर्स के लिए, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके नहीं, अगर लाइन बनानी है तो उस चीज़ को भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिफ पॉइंट्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं एक येलो कलर ले लेता हूँ, ओके कर देते हैं इस चीज़ को, और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, सॉरी इस चीज़ पे जाके इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं लेके जो अपना अपने लिया था उस पॉइंट को ले लेते हैं, ये देखिए तो अपना कलरफुल डायमेंशंस भी आ चुका है, ये देखिए। तो इसी हिसाब से आप बाकी डायमेंशंस दोनों के बीच का डिस्टेंस वगैरह भी दे सकते हैं। सो आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू।